बुधवार का जो दिन होता है वह भगवान श्री गणेश का दिन होता है, जो कि कार्य सिद्धि के, कार्य से विघ्न हटाने वाले देवता हैं। इसीलिए अगर आपका कोई ऐसा कार्य है जिसमें विघ्न पड़ गया है या फिर हो नहीं पा रहा है, जैसे कि नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, जल्दी शादी के योग नहीं बन पा रहे हैं, व्यापार ठीक से नहीं चल पा रहा है, तो आप ये जान लें कि आपके कार्य में विघ्न है। लेकिन उन सभी विघ्न को बिल्कुल बड़ी आसानी से दूर किया जा सकता है और निर्विघ्न सभी कार्य संपन्न किए जा सकते हैं। तो इस वीडियो में बताई हुई जानकारी को बिल्कुल ध्यान से सुनते जाएं कि करना किस प्रकार है, जब कार्य में विघ्न आते हैं तो किस प्रकार आते हैं और क्यों आते हैं और उन्हें किस प्रकार दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य ही लिख दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि जब भी कार्य में विघ्न आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि कोई ना कोई ग्रह आपका खराब हो जाता है, जैसे कि खास करके राहु और केतु के जब दुष्प्रभाव जीवन में होते हैं तो हमेशा ही कार्य में विघ्न पड़ता रहता है, कोई भी कार्य संपन्न हो ही नहीं पाता है, खास करके जो धन से जुड़े हुए कार्य हैं, जैसे कि नौकरी ना मिल पाना या फिर व्यवसाय का ना चल पाना, बिल्कुल भी शुभ और लाभ की प्राप्ति हो ही नहीं पाती है। और शुभ और लाभ और रिद्धि और सिद्धि के देवता केवल भगवान श्री गणेश हैं। तो दोस्तों बुधवार का जो दिन होता है उन्हीं का दिन होता है। अगर आप कुछ खास चीजों को बुधवार के दिन या बुधवार की रात पर कर लेते हैं तो इससे बड़ा ही ज्यादा लाभ प्राप्त होता है। बुधवार के दिन अगर शिवलिंग पर जाकर एक लोटा जल के साथ एक सुपारी भी अर्पित कर दी जाए तो इससे निर्विघ्न सारे कार्य संपन्न हो जाते हैं। दूसरा प्रयोग इस प्रकार है कि दूध में अगर केसर डालकर और थोड़ी सी हल्दी डालकर पीपल वृक्ष की जड़ में चढ़ाई जाए तो इससे भी सारे कार्य निर्विघ्न बिल्कुल संपन्न हो जाते हैं, सभी बाधाएं बिल्कुल दूर हो जाती हैं। खास करके अगर आपको नौकरी प्राप्त नहीं हो पा रही है या फिर व्यवसाय में नुकसान ही नुकसान हो जा रहा है और कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है तो पीपल वृक्ष की जड़ में दूध में केसर और हल्दी डालकर आप बस चढ़ाकर आ जाएं। और यह बुधवार के दिन आपको करना है। सिर्फ इतना करने मात्र से राहु और केतु के दुष्प्रभाव समाप्त होते हैं और गुरु ग्रह की भी कृपा प्राप्त होती है। अब तीसरा उपाय ये है कि जब भी बुद्धि में तरह तरह के विचार और ख्याल आते हैं तो इसका मतलब ये है कि बुध ग्रह बिल्कुल आपका खराब है, यानी कि मन आपका बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं रहता है, इसीलिए हमेशा चिंता, घबराहट और परेशानी होती रहती है। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप दुर्वा घास को अपने कान पर लगाकर रखते हैं या रात को लगाकर बुधवार के दिन सोते हैं, यानी कि जब आप रात को सोते हैं तो बस दुर्वा घास को अपने कान के ऊपर लगाकर सो जाएं, इससे तुरंत ही जितने ख्याल और विचार बेकार के नकारात्मक जितने भी होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि कान जो होते हैं वे बिल्कुल दिमाग से कनेक्ट होते हैं। इसीलिए यही वजह है कि कान में एकदम से अगर कोई आवाज जाती है तो एकदम से सोते हुए भी आप उठ जाते हैं। सबसे पहले आप दुर्वा घास को लाकर भगवान श्री गणेश को बुधवार के दिन अवश्य ही चढ़ाया करें। अपने घर के मंदिर में ही आप चढ़ा सकते हैं, कहीं भी जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। और रात को इसी चढ़ाई हुई घास को बस अपने कान के ऊपर लगाकर आप सो जाया करें। खास करके वो विद्यार्थी जो पढ़ाई करते हैं, जिनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, कुछ भी याद नहीं होता है, तो उन्हें ये कार्य अवश्य ही करना चाहिए। खास करके बुधवार के दिन तो जरूर ही करना चाहिए। या फिर अगर आप किसी नौकरी की, पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं तब भी इस खास प्रयोग को अवश्य ही किया करें। केवल इतना करने मात्र से शुभ और लाभ की प्राप्ति होती है और सभी कार्य से विघ्न निश्चित ही हट जाता है। और ये बड़ी ही छोटी सी और आसान सी चीज है जिसे आप अभी से कर सकते हैं। तो दोस्तों इस खास जानकारी को शेयर भी अवश्य कर दें। आज के लिए केवल इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं। ओम नमः शिवाय हर हर महादेव।